हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, आजादी या स्वाधीनता या स्वच्छंदता, ये सभी शब्द व्यक्ति किसी राज्य, संस्था या देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं। जब कोई कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वो साथ ही ये भी कहता है कि मैं अपने मन की करता हूं। स्वतंत्रता एक तरह से मुक्ति का पर्याय है, लेकिन क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि स्वतंत्रता के भीतर कितने और अर्थ छिपे हैं? क्या ये स्वतंत्रता हमें अपने अधिकारों के बेरोक टोक प्रयोग के लिए स्वतंत्र करती है? कौन स्वतंत्र है? कुछ लोग ये कहते हैं कि हर प्रकार से मन चाहा कार्य करने वाला ही स्वतंत्र है, तो कुछ का मानना है कि मात्र आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसी में सारी आजादी समाई है। अगर आप अपने मन से कुछ भी खरीद सकें, उसे पूरी तरह अपने लिए उपयोग में ला सकें और उसे किसी को भी उपयोग के लिए दे सकें, तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। प्रख्यात रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय स्वतंत्रता की एक नई व्याख्या करते हैं। उनका मानना है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जिसकी किसी भी बात का कोई भी खंडन ना करे, हर बात मानी जाए। यानी जो मनमानी करने वाला तानाशाह है, वही स्वतंत्र है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहां से दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है, वहीं से आपकी आजादी का अंत हो जाता है। यानी हमारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसके विपरीत, यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप पराधीन हैं, परतंत्र हैं। यह पराधीनता क्या है? हर बात के लिए किसी और का मुख देखना। कोई भी एक अन्य व्यक्ति जब आपके सभी निर्णय करे, यही वास्तविक पराधीनता या गुलामी है। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी को भी इस बात की छूट नहीं देती कि वो अपने सामाजिक कर्तव्यों से स्वयं को स्वतंत्र कर सके। अगर कोई अपने दायित्वों से स्वयं को मुक्त करने को स्वतंत्रता कहता है, तो वो आजादी का पूरा मतलब ही गलत निकाल रहा है। इस स्वतंत्रता का गुणगाते हुए प्रख्यात हिंदी कवि राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है, एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए।